बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सीपैक और पाक फौज के दुश्मन खुलकर सामने आ गए हैं। एक जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है सीपैक के खिलाफ, क्योंकि सीपैक के मंसूबों में तेजी और इससे होने वाली तरक्की इन मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। चुनाचे इसीलिए उन्होंने एक स्टोरी घड़ी है जिसमें सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ कुछ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनके बेटों पर, उनकी अहलिया पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ों को सामने लाकर एक स्कैंडल की शक्ल दी गई है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप इन जो स्टोरी घड़ी गई है उसकी तमाम लघु बातों को, गलत बातों को आपके सामने लाऊँ और इसके बेबुनियाद चीज़ों को हकाइक के जरिए से, फैक्ट के जरिए से आपके सामने साबित करूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि सीपैक वो मंसूबा है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रहा है और इसीलिए मुल्क दुश्मनों को ये हजम नहीं हो रहा। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने जब से इसकी कमांड संभाली है और इसके प्रोजेक्ट्स में तेजी लेके आए हैं, मैं उसका कुछ नमूना आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। इसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का एक दौर आने जा रहा है और ये ही चीजें मुल्क दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने ये एक खास मकसद के जरिए से ये सारी एक घड़ी है स्टोरी, और घड़ने वाले वही सहाफी टोला है जिनके बारे में मैं पहली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि ये वो लोग हैं जो असल में पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन दरअसल इनकी डोरियां बाहर बैठे हुए पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो हैं वो हिलाते हैं और उनके इशारों पर ये लोग काम करते हैं। इस दफ़ा इन्होंने ये स्टोरी घड़ी है और स्टोरी ऐसी है नाज़रीन के जिस सहाफ़ी ने ये घड़ी है उसके अपने अखबार ने उसको शाया करने से इनकार कर दिया। फिर इस सहाफ़ी ने एक वेबसाइट का, एक फर्जी है वेबसाइट, उसका सहारा लिया और फिर उसके ज़रिए से इसको फैलाया गया, और फैलाने के बाद जब मुल्क दुश्मनों के पूरे अनासिर इसमें शामिल हुए, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया और उसके बाद ट्विटर पे, फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे इस स्कैंडल को फैला दिया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि जी बड़ी कोई तहकीकती रिपोर्ट सामने लेके आए हैं जिसके अंदर बड़ी सनसनीखेज इंकशाफात हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मरलावार इनकी इस बेबुनियाद वीडियो को बेनकाब करूंगा, इस साजिश को बेनकाब करूंगा और आपको बताऊंगा कि असल में इनके पीछे इनके असल मकासद क्या हैं, मौरकात क्या हैं और इनके पीछे डोरियां हिलाने वाले कौन लोग हैं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस झूठी स्टोरी में अहमद दुरानी नामी सहाफी ने क्या इल्जाम लगाए। उन्होंने इसमें इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के बेटों और उनकी अहलिया के नाम पे 99 कंपनियां हैं और इसके अलावा पापा जॉन्स नामी पिज़्ज़ा बनाने वाली अमरीकी कंपनी जो है उसके 130 फ्रेंचाइजेज इनकी हैं। मजीद इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इनके चार मुख्तलिफ ममालिक में 13 बड़ी जायदादें हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जनरल साहब के बेटे ने अमरीका में 2 बड़े प्लाजे खरीदे हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गए सारे इल्ज़ाम। अब मैं इस स्टोरी की हकीकत आपको बताता हूँ और इसके पीछे जो झूठी और बेबुनियाद चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन है अहमद दुरानी ने अपनी स्टोरी के अंदर दी है, ये दरअसल एक इंडियन वी लॉग से लिया गया सारा मटीरियल, और ये इंडियन वी लॉग जो है वो दरअसल एक इंडियन रिटायर्ड मेजर का बनाया हुआ है जिसने अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें रखी थी और वहां से अहमद दुरानी ने लेकर ये इल्जाम लगाए। उसका कहना यह है कि मैंने जनरल साहब के सामने ये सवाल रखे, जनरल साहब ने मुझे जवाब नहीं दिए, इसलिए मैंने ये स्टोरी शाया की है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल उन्होंने इसको जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उसने ये सारी स्टोरी जो है वो एक ऐसी वेबसाइट पर गढ़ दी है। अब मैं उस वेबसाइट की आपको हकीकत बताता हूँ। इन्होंने ये स्टोरी फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट पर अपलोड की है। अब इस वेबसाइट के बारे में हमने जब तहकीक की तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आई। ये वेबसाइट किसकी है इस बारे में जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये एक एंटी पाकिस्तानी, एक एंटी पाक फौज सहाफी की है जिसका नाम मुबशर जैदी है और जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं। अब ये वेबसाइट जो है इसके बारे में हमने मजीद तहकीक की तो ये बात सामने आई कि इसकी डोमेन को छुपाया जाता है और ये जाहिर नहीं किया जाता प्रॉक्सी के जरिए से कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, इसको कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इसके पसे पर्दा कौन लोग काम कर रहे हैं। चुनाचे ऐसी वेबसाइट के ऊपर ये कहानी घड़कर पेश की गई है नाज़रीन, एक झूठी स्टोरी घड़कर सोशल मीडिया पर फैला दी गई है और फिर इसके जरिए से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं जिसके जरिए
पाकिस्तान पाक फौज और सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि इस स्टोरी का पोस्टमार्टम किया जाए। इस स्टोरी के झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि ये स्टोरी जो है इसके अंदर सिर्फ इल्जाम लगाए गए हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, ना कोई ऐसा सबूत दिया गया है जिसके जरिए से इस स्टोरी में बयान किए गए जो इल्जाम हैं उनको साबित किया जा सके। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इल्ज़ाम जब आप लगाते हैं कि किसी के नाम के ऊपर इतनी जायदादें हैं या इतनी कंपनियां हैं, तो आप उसके साथ कोई फैक्ट्स देते हैं, कोई उसका सबूत देते हैं, लेकिन अहमद नूरानी ने इस स्टोरी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं दी। अब ये कहना कि जी 130 फ्रेंचाइजीज हैं किसी के नाम पर और उसके बाद उसका कोई प्रूफ ना देना सरासर ज्यादती है। फिर एक और जो बेबुनियाद इल्ज़ाम है वो ये है कि 2002 में भाइयों ने एक कारोबार अमेरिका में शुरू किया। नाज़रीन, अमेरिका में ये एक बड़ी आम सी बात है कि कोई शख्स एक कारोबार शुरू करता है और 18 साल के अंदर तरक्की करते हुए एक खास मुकाम पर पहुंच जाता है। अब ये कहना कि जी 2002 में उन्होंने जब शुरू किया था तो उनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो इतनी जायदादों के मालिक हैं, ये एक ऐसी बेवकूफ़ाना बात है। 18 साल में अगर मेहनत करके कोई शख्स इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो आप क्या उसको ये कहेंगे कि जी उसने गलत तरीके से अपनी ये पैसे कमाए हैं? आप उसका कोई सबूत भी नहीं दे रहे। अच्छा, इसके बाद आगे चलिए तो ये साहब फरमाते हैं कि जी दुबई के अंदर जो इनकी जायदाद है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक इतने मिलियन की है। ये ऐसी अजीब सी बात है, या तो आप कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट साथ लगाएं, कोई एस्टिमेट लगाएं, कोई इदारे की कोई रिपोर्ट लगाएं कि जी ये इतनी मिलियन की मलकियत है, ये चीज़ इसको साबित करती है। जब आप इस ऐसी कोई चीज़ नहीं लगा रहे तो फिर महज इल्ज़ाम और अपने अंदाजे के मुताबिक ये कह देना कि ये इतने की है, ये तो सरासर हमाकत है, इस पर कोई कैसे यकीन कर सकता है। इसी तरह की चीज़ें इस सारी रिपोर्ट के अंदर डाली गई। एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा 2012 में DGISPR रहे, 2016 में IG आर्म्स फोर्सेस रहे, 2017 में कमांडर सदर्न कमांड रहे, 2019 में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी बने। अब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी बनने के बाद जब उन्होंने इन मंसूबों में तेजी लेके आए, उसके बाद ही ये जहरीला प्रोपोगंडा उनके खिलाफ शुरू किया गया, उससे पहले उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं आया। तो इससे भी ये बात साबित हो जाती है कि सीपैक के मंसूबों में तेजी और जनरल आसिम सलीम बाजवा की जेर क़यादत इन मंसूबों की तेजी की वजह से मुल्क दुश्मन अनासिर उनके खिलाफ ये जहरीला प्रोपोगंडा कर रहे हैं। सीपैक के जरिए से हजारों मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, शाहराहें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पहाड़ों को चीर कर मनसूबे बनाए जा रहे हैं, बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों को ग्वादर पोर्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, मुंसलिक किया जा रहा है, बेशुमार मनसूबे ऐसे हैं जिनसे मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं, कारोबार के मौके मिल रहे हैं, इलाकों में खुशहाली आ रही है, पाकिस्तान तेजी से तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। ये चीजें मुल्क दुश्मनों से हजम नहीं हो रही हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा और उनकी फैमिली पर होने वाला ये हमला दरअसल पाकिस्तान, पाकिस्तान की मौशियत और पाक फौज पर हमला है। हर पाकिस्तानी ऐसे हमले का दिफा करेगा क्योंकि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर उनका दिफा करेंगे और इन मुल्क दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।